स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल वर्ब में। सो दोस्तों, यहाँ पे मुझे कुछ अपडेट के बाद प्रॉब्लम फेस हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सैमसंग का 3.1 1 UI अपडेट किया है एंड्रॉयड 11, तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत वाने बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कई सारे ऐप है वो स्टार्ट नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग नोट स्टार्ट करें तो यहाँ पे प्लस पे नीचे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ आता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे यहाँ पे इसे करते हैं, सो यहाँ पे ऐसे क्लियर कीप स्टॉपिंग ऐसा आ जाता है दोस्तों। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अपडेट के बाद क्लियर हो जाए। और यहाँ पे कुछ कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, यूट्यूब से कई सारी एप्लीकेशन है जो स्लोली ओपन हो रही है। इवन नेट की स्पीड ज़्यादातर स्लो हो गई है यहाँ पे अपडेट के बाद दोस्तों। यहाँ पे बैटरी में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बट अपडेट में यहाँ पे यही दिक्कत आई है कि एप्लीकेशन माने बहुत ज़्यादा स्टार्ट स्पीड से नहीं हो रही है, स्लोली हो रही है दोस्तों। सो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी दिक्कत मुझे फेस हुई है दोस्तों। अगर आपको ये दिक्कत फेस हुई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ही दिक्कत नहीं हो रही है, इवन कहीं को भी ये दिक्कत हो रही है दोस्तों। इवन शायद मुझे ही ये दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम है या मेरे सिम कार्ड पे नेट स्लो चल रहा है। इवन अपडेट के बाद आप एप्लीकेशन को भी आपको इसमें अपडेट करना होगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम का फेस का वीडियो बना दिया है। मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा इसी चैनल में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल दोस्तों। थैंक यू सो मच।